त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने रुद्र सागर में एक नाव प्रतियोगिता के संपन्न समारोह को संबोधन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गांव के क्षेत्र के लोगों में 50,000 बतखों को बांटा जाएगा, जिससे लोगों की आमदनी में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बतख अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। उनका कहना है कि वो पानी रिसाइकिल भी करते हैं, जिससे तैराकी छल नाकाओं में ऑक्सीजन की सत्ता बढ़ती है। उन्होंने कहा राज्य के पर्यटन स्थल के पास रह रहे लोगों में सफेद रंग के बतख भी बांटे जाएंगे। सरकार का ये कदम प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। আজকে যে আমি ঘোষণা দেব তার সৌন্দর্যটা বাড়বে। এই আশপাশের যারা লোক আছে তাদেরকে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে সাবসিডাই কমসে কম 50,000 হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হবে। আর এগুলোকে রুদ্র সাগরের মধ্যে পালন করতে मिजोरम एक्स सर्विसमैन लीग ने सरकार पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने के इरादे से विरोध रैली निकाली। चांदमारी से वनापा हॉल तक ये रैली निकाली गई। एमईएसएल ने इससे पहले जून महीने में भी अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली थी। लीग खास तौर से मिजोरम पुलिस सर्विस में महानिर्देशक के पद से आरक्षण हटाने की मांग कर रहा है। में बीजेपी और आईपीएफटी की मिलीजुली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई भी नौकरशाह अपनी ड्यूटी जीन्स और चश्मा पहनकर नहीं करेगा। सरकार के इस फैसले की विरोधी पार्टियां सीपीआईएम और कांग्रेस ने जमकर आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीआईएम ने इसको सरकार की सामंती मानसिकता करार दिया है। राज्य के मुख्य सचिव सुशील कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में राज्य स्तरीय आधिकारिक बैठकों के दौरान कुछ लोगों को ड्रेस कोड अपनाने के लिए कहा था। What song we'll sing, they will select. What religion we... what they will select, it is the BJP Modi government. We are going to again to the British rule. I have seen, my first reaction is that we topple the British by 200 years freedom struggle. Now this BJP, now this government Tripura, they're directly taking these dress codes. British has done. Dress code for officers, the bureaucrats and the administration is nothing but dilute the basic problem and to divert the attention of the people from the basic problem of the people, the economic problem, what people are facing. They are trying to make They are failure on all fronts. आखिरकार सिक्किम वासियों की लंबित मांग पूरी हुई।
गैंगटॉक के तंदोक इलाके में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री एनके सुब्बा ने पैदल चलने वालों के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर एक ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस राजमार्ग से स्कूल और सिक्किम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को हर रोज गुजरना पड़ता है। ऐसे में उन्हें होने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से इस पुल की मांग की जा रही थी। 1,80,00,000 रुपयों की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। टोटल टेंडर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1.08 crore एंड इंक्लूडिंग एस्केलेशन टोटल टेंडर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर इज 1.41 crore। सो दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर एंड एलाइड वर्क। एलाइड वर्क इज कंस्ट्रक्शन ऑफ झोड़ा ट्रेनिंग वर्क व्हिच इज जस्ट बिलो द फ्लाईओवर। It goes from this national NS 10 and it goes, it, I mean, it touches the NS 10 down in 5th mile. And the span of the bridge is 20 meter. And it, I mean, it is mainly for the students of the Tadung flight, I mean, Tadung students.